करनाल में स्थित पानी के नमूनों की जांच करने वाली प्रदेश स्तरीय लैबोरेटरी में एक ऐसी मशीन भी है जो यह बता सकती है कि जो पानी आप पी रहे हैं कहीं वो आपको बीमार तो नहीं कर रहा। AAS नाम की इस मशीन में पानी में मौजूद भारी तत्वों की जांच की जाती है। ऐसे तत्व कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। यह जानकारी रसायन वैज्ञानिक अमित कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस लैब में प्रदेश भर से नमूने जांच के लिए आते हैं। मिली जानकारी के अनुसार करनाल जिले का पानी सबसे साफ और शुद्ध माना गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि आज जो घर घर में आरओ का ट्रेंड चल रहा है यह भी गलत है। वास्तव में आरओ की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन हमें बताते हैं कि शुद्ध हवा और पानी पर हमारा हक है और वो हमें सिर्फ आरओ और वाटर प्योरीफायर से ही मिल सकते हैं। ये सही है कि शुद्ध हवा और पानी पर हमारा हक है, लेकिन वो क्या सिर्फ हमें इन मशीनों से ही मिलेंगे? ये नाकामी है। इंसानी दिमाग की अगर उसे 10 बार एक झूठ बोला जाए तो उसे ही वह सच मान जाता है। एक गूगल सर्च पर आपको बता देगी कि आखिर एयर प्योरीफायर और वाटर प्योरीफायर के नुकसान क्या हैं, क्यों इनके कारण हम नई नई बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ये सही है कि दूषित हवा पानी से भी कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, लेकिन सादे पानी और हवा में कई तरह के मिनरल भी होते हैं जो इंसान के लिए काफी जरूरी होते हैं, पर हम मशीनों पर इतने निर्भर हो गए हैं कि ये भूल ही गए हैं कि ये मिनरल कितने जरूरी हैं जिन्हें ये मशीनें हमसे छीन रही हैं। खुद ही सोचिए, आखिरी बार आपने नल का पानी कब पिया होगा? जैसे कि आपको पता है, अगर 1 लीटर पानी वाटर प्योरीफायर में इस्तेमाल होता है और पीने लायक बनता है तो 1 लीटर ही वेस्ट भी होता है। रिपोर्ट में ये भी आया है कि 13 राज्यों में 98 जिलों में पानी में TDS की मात्रा ज्यादा है। वहाँ प्योरीफायर बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बाकी जगह अन्य तरीके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। WHO की गाइडलाइन के मुताबिक TDS कंटेंट जो 300 mg प्रति लीटर के नीचे है वो बेहद अच्छा समझा जाता है, और 900 mg से ऊपर बहुत खराब, और 1200 mg से ऊपर को तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत में कई ऐसे भी शहर हैं जहां ये मात्रा NGT की बताई मात्रा के हिसाब से है, फिर भी वाटर प्योरीफायर का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है कि पानी उसके बिना इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये बहुत ही बड़ी समस्या की बात है। कितना पानी साल में वाटर प्योरीफायर के कारण खराब होता है? क्या किसी सरकारी विज्ञापन में ये दिखाया गया है कि इसके नुकसान क्या है, या फिर क्या आपके इलाके का नल का पानी शुद्ध है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि साफ पानी मिले? साफ पानी की जगह हम तो शायद सिर्फ समस्याएं ही ले रहे हैं। द्वारा या रिवर वाटर सप्लाई के द्वारा उसमें आर्सेनिक या लेड इस तरह के हैवी मेटल्स तो नहीं सप्लाई हो रहे उस पानी के साथ, तो उसी की जांच ये मशीन जो आप देख रहे हैं वो करती है। थैंक यू मनीष। नमस्कार अमित जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। सर, मैं करनाल जिले और प्रदेश भर के पानी के स्टेटस को लेकर आपसे कुछ थोड़ी सी जानकारी हासिल करना चाह रहा था। सर, अगर माना जाए आपके पास प्रदेश स्तरीय लैब है यहाँ पर पूरे जिले से सैंपल्स आए जाते हैं, सर अगर माने तो यहाँ पर हरियाणा में प्रदेश में किस जिले का पानी सबसे साफ माना जा रहा है और किस जिले को सबसे दूषित माना जा रहा है कि वहाँ का पानी पीने लायक नहीं है या उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा है? धन्यवाद तरुण जी। जैसा आपने कहा कि हमारे पास पूरे स्टेट से यहाँ पे सैंपल्स आते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल लेबोरेटरी हमारे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। अगर हम एक पैमाना बनाएं कि किस जिले का सबसे अच्छा है और किस जिले का सबसे खराब, हम टेस्टिंग 2 तरह से करते हैं, एक उसकी केमिकल टेस्टिंग और एक बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग। तो केमिकल टेस्टिंग जो होती है उसमें आपके जैसे TDS उसमें एरिया में कितना है और उसमें पानी खारा है नहीं, उस हिसाब से उसकी टेस्टिंग की जाती है। और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग तो रेगुलर तौर पे चलती ही है, उसको एक पैमाना नहीं बनाया जा सकता वाटर क्वालिटी का लार्ज स्केल पे हम देखें तो। बेसिकली केमिकल पैरामीटर्स के हिसाब से ही हम पैमाना बनाते हैं कि इस एरिया का पानी सबसे अच्छा माना जाता है और उस एरिया का आपको खराब कह सकते हैं, इसको पीने लायक नहीं, अंडरग्राउंड वाटर की बात है। तो उस सबसे अच्छे पानी में हमारा करनाल जिला भी एक ऐसा ज़िला है जहाँ का पानी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और यहाँ पे आपको बेसिकली किसी भी RO ट्रीटमेंट या इस तरह की ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ट्यूबवेल से पानी भी आप पी सकते हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जब लीकेज वगैरह की, तो उसका भी वो अलग इलाज है। ये नहीं कि आप RO लगा लें बिना सोचे समझे ही RO लगा लें। तो बेस्ट मैं कहूँगा हमारा करनाल का पानी है। और अगर हम ख़राब की बात करें तो जैसे साल्ट पानी में बहुत ज़्यादा है, जैसे रोहतक है या हमारे साउथ हरियाणा में हमारे फ्लोराइड ज़्यादा हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर वहाँ का हमारा हम पीने लायक नहीं माना जाता, तो वहाँ पर रिवर वाटर को ट्रीट करके पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अपने कंज्यूमर्स को सप्लाई करता है। सर, यानी कि जो है आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से लोग आज हर घर में RO लगा हुआ है,
तो हमारे करनाल जिले में आरओ की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल, करनाल जिले में मैं कहूँ तो लगभग सारे जिले में, और सिर्फ करनाल ही नहीं, मैं पूरे इंडिया की बात करता हूँ, क्योंकि हम सारा वाटर क्वालिटी डाटा रीड स्टडी करते रहते हैं। आरओ टेक्नोलॉजी जो है वो वहाँ के लिए बनाई गई थी जहाँ पे पानी खारा है। खारा मतलब कि उसमें TDS बहुत जाता है। TDS मैं आपको बता दूँ, TDS बोलते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, कुल घुलनशील पदार्थ जितने पानी में घुले हुए हैं। पानी सिर्फ H2O नहीं होता, उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फ्लोराइड है, नाइट्रेट है, अनेक प्रकार के उसमें मिनरल्स जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है एक निश्चित मात्रा में, वो घुले हुए हैं। तो जब हम TDS की बात करते हैं तो TDS जहाँ पे ज़्यादा होता है 1000, 1200, 1500, 2000, वहाँ उन क्षेत्रों के लिए आरओ बनाया गया था। लेकिन जैसे हमारा करनाल है, यहाँ पे TDS 400, 500, 600 से ज़्यादा कहीं भी नहीं है, तो वहाँ पे आप आरओ लगा के अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। सर, एक हमारे यहाँ पर स्टेट लैब में एक ऐसी मशीन आई है जो हैवी मेटल्स के लिए की जाती है, चेक सर, उस मशीन का नाम क्या है? जी बिल्कुल, ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये अभी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हमारी जो स्टेट वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी है करनाल में, उसी में ये इंस्टॉल की गई है। ये बेसिकली जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो हमारी सोर्सेज हैं, जो हम पब्लिक को सप्लाई करते हैं, उसमें हैवी मेटल्स की जांच करता है, जैसे लेड है, क्रोमियम है, आर्सेनिक है, ऐसे हैवी मेटल 5-6 के करीब हम यहाँ पे इसमें जांच करते हैं। हैवी मेटल्स वो होते हैं जो अगर एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा हो जाएं तो आप आदमी को कैंसर हो सकता है। कुछ एरियाज में जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं या जैसे वेस्ट बंगाल या यूपी में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा मिलता है, इंडस्ट्रियल टाउन जैसे लुधियाना वगैरह में लेड पानी में आ चुका है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।